हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देवेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग ऑसम टूनम। ये हमारा कैलक स्प्रेडशीट का 11th वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना था इंडेक्स फार्मूला के बारे में, आज हम जानेंगे मैच फार्मूला के बारे में। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैच फार्मूला और इंडेक्स फार्मूला बेसिकली सेम काम करते हैं, बस थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हम आइटम नंबर फाइंड कर लेते हैं और इसमें हम सीरियल नंबर इसका फाइंड कर लेते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले मैं इस तरीके से अपने चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट बनाने के लिए अगर आपको किसी आइटम का सीरियल नंबर फाइंड वगैरह करना हो, सिंपली मैंने आइटम में यहाँ नाम टाइप कर दिया क्रीम। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद हम सीरियल नंबर पे आते हैं और नीचे उसके सेल में हम टाइप करते हैं यहाँ पे इक्वल टू, या लिखेंगे MATCH मैच, देन आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम क्रीम को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है हमसे एरे, तो एरे में हम ये आइटम्स को सबको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको फिर कॉमा लगाना है। फिर हमसे पूछ रहा है इसमें हमको ज़ीरो टाइप करना है उसका सॉर्ट, तो ज़ीरो मतलब फॉल्स होता है। देन उसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखिए हमारा सीरियल नंबर बता दिया थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप इसमें कुछ कुछ और टाइप करेंगे, जैसे मैं टीवी टाइप कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो टीवी हमारा फोर्थ नंबर बता दिया। जैसे मैं सारी यहाँ लिखूँगा SARE और एंटर प्रेस करूँगा, देखिए 7th नंबर पे। तो इस तरीके से आप किसी भी आइटम का सीरियल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।